नमस्कार, कमोडिटी मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मंगलवार 29 जून। कल के सेशन की बात करें तो कल काफी रेंज बाउंड ट्रेड हमने होते हुए देखा है। एमसीएक्स बुलडेक्स के अंदर भी अगर हम बात करें तो जैसे हमने कहा था कि 14,640 के ऊपर जब तक नहीं निकलता है या 14,400 के नीचे नहीं टूटता जब तक मार्केट डायरी में रहेगा। कल हमने देखा इंटरनेशनल में डॉलर इंडेक्स में तेजी कंटिन्यू बनी हुई है, जिसकी वजह से सोने और चांदी में थोड़ा दबाव भी था। लेकिन जो कंसर्न्स बन रहा है डेल्टा स्ट्रेन का, वो कहीं ना कहीं वापस हमने देखा यूरोपियन नेशन इंडिया में, जहाँ पे लॉकडाउन फिर से लौटता हुआ है दिखाई दे रहा है। ये गोल्ड को सपोर्ट भी कर रहा है। मेजरली अगर देखा जाए तो ये हफ्ते के जो नॉन फार्म पेरोल डेटा है ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, जो आगे की रणनीति रखेगा। लेकिन टेक्निकली अगर हम देखें तो 1800 का लेवल जब तक ब्रीच नहीं करता है गोल्ड, तब तक पॉसिबिलिटी है कि हम 1756 से लेकर 1720 तक के भी लेवल गोल्ड में देख पाएंगे, और ये दबाव M6 बुलडेक्स पे देखने मिल सकता है। बुलडेक्स में भी आप ध्यान रखिए, 14,500 का लेवल तोड़ने पे डाउन साइड में 14,360 का पहला सपोर्ट और इसके नीचे 14,200 तक का भी लेवल हम देख पाएंगे। तो ओवरऑल आज M6 बुलडेक्स में बिकॉली करके चलिए। वहीं गोल्ड की बात करें तो पिछले एक हफ्ते में हमने कभी भी प्राइजेस को 47,300 के ऊपर सस्टेन करते हुए नहीं देखा है। अनलेस एंड अंटिल प्राइजेस 47,300 के ऊपर नहीं निकलता है, हाई पॉसिबिलिटी है कि हम 46,550 से लेके 46,200 तक का भी लेवल ये हफ्ते में देख पाएंगे। सिमिलरली चांदी भी जब तक 70,500 के ऊपर नहीं निकलती है ट्रेंड वीक रहेगा, जो 66,500 तक के भी लेवल दिखा सकते हैं। तो ये हफ्ते में सोने और चांदी पे थोड़ा संभल के रहिए। वॉलिडिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि चार्टिकली अगर हम देखें तो पॉलिंगर बैंड स्क्वीज सीवियर हुआ हुआ है पिछले एक हफ्ते से। क्रूड के अंदर हमने देखा कि ओपेक प्लस की मीट 1 जुलाई को होनी है और साथ में उम्मीद जताई जा रही है कि आउटपुट में बढ़ोतरी आ सकती है, जिसके चलते कल क्रूड में हमने 1.5% की गिरावट देखी और आज भी प्राइजेस में दबाव रहेगा। 6380 का लेवल तोड़ने पे 6260 तक के भी लेवल हम क्रूड ऑयल जुलाई वादे में देख पाएंगे। नेचुरल गैस में भी कंजम्पशन धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से कल प्राइजेस ने 270 का लेवल छुआ था। आज के सेशन में थोड़ा भी पुलबैक मिले तो नेचुरल गैस में लेके चलिए, क्योंकि पावर कंजम्पशन है वो स्लोली एंड स्टडीली बढ़ा है। पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट की अगर हम बात करें तो अपसाइड में हमें लगता है कि जो डिमांड इंप्रूवमेंट है वो 285 से 290 तक के भी लेवल दिखा सकते हैं। तो ओवरऑल नेचुरल गैस में बाय ऑन ड्रॉप का स्ट्रेटेजी रख के चलिए। बेस मेटल की बात करें तो कल के सेशन में हमने देखा बेस मेटल के प्राइजेस में मिला जुला ट्रेड बना हुआ था, बट की लेवल से इसके नीचे ट्रेड करने की वजह से आज भी प्रेशर में प्राइजेस रहेंगे। जिस ढंग से हमने देखा चाइना में जो प्रॉफिट ग्रोथ है इंडस्ट्रियल फर्म्स के, उसका डेटा खराब आता हुआ दिखाई दे रहा है, इन्वेंट्रीज बढ़ रही है, और ऑलरेडी हमने देखा पिछले महीने जो चाइना गवर्नमेंट ने हायर भाव की वजह से चिंता जताया था, उसके बाद कुछ सेलिंग भी हुई है, जिसके चलते अगर हम देखें तो कॉपर जिंक निकल में हमने गिरावट बढ़ते हुए देखी है। खास करके अगर जिंक की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो इन्वेंट्रीज है उसमें ड्रॉप आया है जो प्राइजेस को अभी भी सपोर्ट कर रहा है। बट इन ऑल मार्केट में सेंटिमेंट थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है। नो डाउट यस, इंफ्रास्ट्रक्चर एक फंड भी आना बाकी है, जिसकी वजह से भी मार्केट एक रेंज बाउंड है। बट आज का देखा जाए तो एल्युमिनियम में भी जो गिरावट है उसकी वजह से प्राइजेस में गिरावट का रुख रहेगा। कॉपर में आज 0.32% की गिरावट है। निकल, लेड, एल्युमिनियम सभी में हमने देखे आधे से 0.25% की गिरावट है, जिसकी वजह से आज डोमेस्टिक मार्केट में सोना चांदी को छोड़कर बेस मेटल में भी गिरावट आएगी। गोल्ड भी इंटरनेशनल में देखें तो 1780 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अगर 1764 का लेवल तोड़ता है तो 1756 से 1730 तक के भी लेवल दिखा सकता है। अनलेस एंड अंटिल 1790 के ऊपर नहीं निकलता गोल्ड, बिकवाली करके चलिए। 2640 के ऊपर जब तक चांदी नहीं निकलती है ट्रेंड वीक रहेगा, जो 2540 तक का लेवल दिखा देगा। WTI ब्रांड दोनों में ही गिरावट का रुख रहेगा। नेचुरल गैस में थोड़ी भी गिरावट आए तो लेके चलिए, ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। विक्स इंडेक्स की बढ़ोतरी के चलते आज इक्विटी मार्केट में भी गिरावट रहेगी और डॉलर इंडेक्स 92 के करीब है, जो मुख्य कारण है जिसकी वजह से कमोडिटी में गिरावट है। डेटा आज काफी ज्यादा रहेगा, यूके से भी डेटा है, बट यूएस से जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो आज S&P कॉम्पोजिट 20 HPI का डेटा है, जो कहीं ना कहीं पॉजिटिव दिखा रहा है। HPI का भी डेटा है वो पॉजिटिव दिखा रहा है, साथ में ECB प्रेसिडेंट की भी स्पीच रहेगी। तो ओवरऑल आज डॉलर इंडेक्स को थोड़ा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। आज के लिए M6 बुलडेक्स बेच के चलिए 14,400 के टारगेट के लिए। गोल्ड को बिकवाली करके चलिए जब तक 47,260 के ऊपर नहीं निकलता है, पॉसिबल है 46,600 का लेवल हम तोड़ सकते हैं। क्रूड ऑयल में भी बिकवाली रहेगी, जो 5320 से लेके 5260 तक का लेवल दिखा देगा। जिंक के अंदर मार्केट रेंज बाउंड है, जब तक प्राइस 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं निकलता, जो कि 236 का लेवल है, पॉसिबिलिटी हम 230 तक के भी लेवल हम देख सकते हैं जिंक के प्राइसेस में। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।